एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कैंडल वैक्स रीडिंग, आप सभी की फेवरेट। क्लिंजिंग हो चुकी है, मेडिटेशन मैंने कर लिया है, बस अब आपको जो है इस कैंडल की लॉ पे फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है। रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनका मुझे एरीज साइन बहुत स्ट्रांगली मिला है, सिर्फ एरीज मिला है अभी तक, बाकी के साइन मिलेंगे मैं बताऊंगी। ठीक है, कोई पेंटिंग नज़र आ रही है, आई डोंट नो व्हाई ये पेंटिंग है, पेंटिंग में कुछ मुझे एक महिला नज़र आ रही है। कोई आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट ज़रूर है, मतलब इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ उनका, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके का डिनायल है, जैसे अप्रूव नहीं करते इस बात को, इस बात से इनकार करते हैं कि प्यार करते हैं, या इस प्यार को प्रूफ नहीं कर पाते, प्रूफ नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जिसमें साबित करने की दिक्कत दिखाई दे रही है कि ये प्यार साबित नहीं कर पाते। प्यार बहुत है इनके मन में, पर प्यार साबित करने की ताकत क्षमता नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ना एक लेडी टाइप एनर्जी दिखी है जो आपसे काफ़ी जेलस है। मुझे कोई औरत है दिख रही जो बहुत आपसे जेलस है और जो आपकी स्किन में घुसना चाहती है, ऐसी एनर्जी है। आई नो बहुत ही हार्श वर्ड मैंने यूज़ किया, बट कोई ऐसी है जो आपकी स्किन में घुसना चाहती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी जीना चाहती है, या आपके तरीके से अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को या अपने पार्टनर को वैसे रखना चाहती है, जो प्यार, जो दुलार या जो कनेक्शन आपको मिला वो वैसा, उस चीज़ के लिए जलस होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो आपके प्रति बहुत जलस है, कोई फीमेल एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी पैशनेट है, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टबन एनर्जी है, बहुत ही अड़ियल स्वभाव, बहुत ही अड़ियल स्वभाव, जैसे कि कहीं ना कहीं कोई भी बात में ना अपनी गलती नहीं मानते, विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हैं आपके साथ। इस वक्त थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है या तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या बहुत लेज़ी या कोल्ड बिहेवियर इनकी तरफ से आ रहा है। डिफरेंसेस या डिस्टेंस ज़रूर है इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आप बहुत दूर दूर रहकर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या बहुत लंबा टाइम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आपके दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत टकरार, दिक्कत दिखाई दे रही है। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके साथ ऑनेस्टी से, या तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने मन की बात, खुलकर बताते नहीं, या बात बात पे ब्लॉक कर देते हैं, या बात बात पे दोनों के बीच में बहस हो जाती है। टॉरस एनर्जी, लिब्रा, एक्यूरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये एनर्जीज मिली हैं। आपकी सन मून या राइजिंग साइन में वर्गो या धनु या सेजिटेरियस राशि हो सकती है, पता नहीं क्यों ये मुझे दिखी है, तो मैंने आपको बताया। नंबर 11 या ये 11 11 है, एंजल नंबर्स के साइंस हैं जो आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये आने वाले समय का कहीं ना कहीं आपको साइन या सिग्नल दिया जा रहा है कि आने वाले समय में एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगा। इंटेंशंस मुझे आपके पार्टनर के ऐसे नहीं दिख रहे कि वो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं या वो आपको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने वाली एनर्जी नहीं है, वो आपको लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, बट कहीं ना कहीं इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपनी भावनाओं को रखना इनको आता नहीं, या आपके प्यार को प्रूफ करना इनको आता नहीं, आपके प्रेम के साथ, आपके प्यार के साथ इनका जीवन नहीं कट रहा, मतलब आप काफ़ी नहीं हो इस इनकी ज़िंदगी में, आपके अलावा या तो और डिस्ट्रैक्शंस हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि आप जितना कुछ कर ले या बिना बात के आपको गलत ठहरा देते हैं। पैसे के पीछे भी बहुत भागते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा बनाना है या पैसा चाहिए,
फाइनेंसेस को लेकर या तो बहुत स्ट्रेस्ड हैं या पैसा बनाना चाहते हैं, पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत दिखाई दे रहा है, या तो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हैं, काम को लेकर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। देखो आपसे ना इनको एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है जब आपके साथ होते हैं ना, तो मानो बंदा जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में उस जगह पहुंच गया जहां उसे पहुंचना चाहिए। मतलब आप उनको उसकी लाइफ का डेस्टिनेशन दिखते हो, यानी कि उनकी लाइफ की मंजिल आप हो। आप दोनों की एज में कोई तरीके का डिफरेंस है, ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि एज डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, या साथ काम करते हो ऐसी एनर्जी है। आप दोनों में ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ही साथ रहना चाहते हो एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हो, बट कहीं ना कहीं दोनों नज़दीक आकर बहुत झटके से एक दूसरे को दूर करते हो क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पुश कर देते हो एक दूसरे से। और ये पुश की एनर्जी कोई ना कोई एक व्यक्ति देता है एक दूसरे को, गुस्सा, नाराज़गी, चिड़चिड़ाहट, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसा बर्ताव दिखा रहा है जैसे ये रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है। देखो इस रिलेशनशिप में प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा वरना ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल पाएगा। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है, पर इस व्यक्ति के लिए आपकी लाइफ से पहले बहुत बाकी प्रायोरिटीज़ आती हैं और इसी बात का दुख आपको सबसे ज़्यादा है। किसी तरीके का एडिक्शन दिखाई दे रहा है आजकल इनकी, या तो ड्रिंकिंग हैबिट्स या कोई तरीके की बुरी आदत इनकी बढ़ गई है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हैं या बुरी आदतें बढ़ गई हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रांगली ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग हो और दिल से भी, इसीलिए इनको कभी कभी फील नहीं होता जब जब आप इनसे कहते हो कि हर्ट होता है, आप हर्ट हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, तो इनको लगता है कि नहीं आप हर्ट नहीं हो सकते, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो जो आसानी से हर्ट हो जाए। मे भी हो सकता है कि आपने बहुत अपनी कम उम्र से ही बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, या इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत कम उम्र से अपने परिवार वगैरह सबकी जिम्मेदारी आपने ऐसे संभाली है जिसके कारण इस व्यक्ति को नामुमकिन लगता है कि आप हर्ट हो जाएं, लेकिन इनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी कभी भी आप इनसे कहते हो कि आप हर्ट हो रहे हो तो इनको जैसे आप देखते हो कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं, जीरो रिएक्शन रहता है इनका। नंबर 8, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं क्यों 8 नंबर और 9 नंबर दिखा है। आर इनिशियल बहुत बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, आर एल एम आर बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे। आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तब तब जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझे रिएक्शन देते नज़र आ रहे हैं जब जब आप इनके जीवन से बाहर निकल के कहीं आगे बढ़ने लगते हो। जब जब आप इनके जीवन से आगे बढ़ते हो ये व्यक्ति आपको खींच के दोबारा पीछे लेते हैं क्योंकि ये आपको कभी भी नहीं खोना चाहते। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है कि ये इस वक्त खुद कन्फ्यूजन में है इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई कंक्लूजन नहीं है इनके पास, आंसर्स नहीं है इनके पास, आप इनसे कोई सवाल करते हो जिसका जवाब इनके पास नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, तो यस ये प्यार करते हैं, इनके इरादे आपके प्रति बहुत नेक है, बट ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बस इस ये दिक्कत बहुत दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप में प्यार है पर रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट इन द सेंस ये कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, या कभी कभी आप जो है इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उन चीज़ों को देख नहीं पाते। इस तरीके की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली किसी फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि कोई है औरत जिससे आपको बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, या कोई है जो आपको बहुत नज़र लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जलसी और बहुत ज़्यादा नज़र की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बहुत नज़र लगती है आपको इसके कारण उनकी। कोई आपसे बहुत जलता है या मे बी आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहा है जिससे बहुत लोगों की प्रॉब्लम शुरू होती है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, या तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इसलिए मुझे 2 नंबर दिखा है, या ये 2 साल पता नहीं, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स बहुत दिखाए, क्योंकि 2 ईयर्स हो सकता है 2 साल से आप परेशान हुए हो, या 2 साल के ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, या 2 साल बाद एक होने हैं, या कुछ ऐसी तरीके की एनर्जी है क्योंकि 2 साल बहुत दिखाए। आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है बट आपकी हीलिंग को लेकर बहुत डिफिकल्टी आ रही है, आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, आपका माइंड बहुत बुरी तरह से इनको लेकर एग्जॉस्टेड हो गया है, कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है। आप चाहते हो कि आप इनकी एनर्जी से बाहर निकलो पर आप निकल नहीं पा रहे हो, कई बार गुस्से में आकर आप इनको ब्लॉक करते हो फिर वापस अनब्लॉक कर देते हो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैशनेट हैं, फिजिकली भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इनको आपके साथ होना, आपके साथ बैठना, बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ स्ट्रांग कनेक्शन है इनका, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्टेंस कम है
या इस रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत कम है, इनको कदर नहीं होती, इनको इस रिलेशनशिप की कदर का एहसास नहीं है कि रिलेशनशिप कितना पावरफुल है। आप इनसे अगर कुछ हंस के भी कहोगे ना कि कभी कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये आपके ऊपर हंसने लगेंगे कि आ कुछ भी बोल रही है, बकवास कर रही है, प्रैक्टिकल रहो प्रैक्टिकल, क्योंकि ओवर प्रैक्टिकल है और सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा नहीं है कि ये आपको यूनियन नहीं देंगे, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो ये बात करेंगे ज़रूर, आपसे कनेक्शन में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में किसी तरीके का बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या क्लैश दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में चीज़ें बनेगी फिर बिगड़ेगी, फिर बनेगी फिर बिगड़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम बनती नज़र आ रही है। लेकिन ये टेम्प्ररी फेज़ है, ये थोड़े टाइम के लिए है, बाद में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है सिचुएशन काफ़ी अच्छी और इम्प्रूवमेंट के साथ नज़र आएगी, क्योंकि बाद में सोल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का, कि क्या सोल्यूशन है, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्टेड ज़रूर है, लेकिन इस वक्त इनका डिस्ट्रैक्शन मनी ज़्यादा है, इस वक्त ये पैसे के पीछे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ये किसी पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं या कोई पैसे को लेकर इनका बहुत ज़्यादा कहीं एफर्ट या कोई प्रोजेक्ट में इनका बहुत ध्यान है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि पैसा इनकी इस वक्त प्रायोरिटी है। ये काम होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं और बहुत बैडली स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत है। हे आपसे जलस भी होते हैं, शॉकिंग, जलस भी होते हैं। जलस तब होते हैं जब जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी रहने लगते हो, तो ये बहुत जलस हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे आप हैप्पी हो, क्योंकि आपको तो इनिशियली अगर देखा जाए तो आपको रोना चाहिए इनके लिए, बट आप हैप्पी कैसे हो, तो ये कहीं ना कहीं जलस फील करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, आपको लेकर बहुत पजेसिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है जहाँ पर मुझे पजेसिव एनर्जी मिली है। ओके, मैं उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती थी कैंडल को। कहीं ना कहीं देखो ये कनेक्शन जो है आपके पार्टनर के साथ आपका, ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। बट यस, देखो कभी कभी ना हमारा दिमाग फितूर भी खेलता है, कभी कभी चीज़ें जो अच्छी हो रही होती है ना उसे भी हम कई बार बिगाड़ देते हैं। उसका रीज़न ये नहीं होता है कि हम गलत हैं या सामने वाला गलत है, बस ये समझ लो समय गलत है, समय आपके हाथ में नहीं है। और समय जब आपके हाथ में नहीं होता तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट इस समय को भी आप ऐसे सोच कर चला करो कि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये भी एक वक्त है जिसे निकलना ही है, एक ना एक दिन ये सब चीज़ें ठीक होनी ही हैं, ये समय बदलेगा। ठीक है, क्या ये आपकी कदर करेंगे, क्या ये आपसे प्यार करेंगे? देखो प्यार ऑलरेडी करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो रिस्पेक्ट करवाना सिखाना पड़ेगा आपको, इसका प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या रिस्पेक्ट आप झगड़ा करके करवा सकते हो? नहीं। क्या आप इनके ऊपर आर्ग्यू करके करवा सकते हो कि मेरी रिस्पेक्ट करो और मुझे सब कुछ दो? नहीं। झगड़े से, प्यार से, मतलब बोलते हैं ना झगड़े से चिल्ला के कोई बात नहीं बनेगी, प्यार से ही बात बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब आप प्यार भरे उनको मैसेजेस भेजो, नहीं, पर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने का प्रयास करो। जब जब सिचुएशन बिगड़ती नज़र आए और आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, तब तब आपको बहुत प्रेम से ट्राई करना है उनको टैकल करने के लिए। गुस्सा आपके रिलेशनशिप को बहुत स्पॉइल करेगा। प्यार से समझाएंगे, प्यार से खुलकर अपनी बात को रखेंगे, वो आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। पर ध्यान रहे, आप उनको ऐसे ना दिखाएं कि ज़िंदगी में एकमात्र वही इंसान आपके लिए हैं जिनके लिए आप जी रहे हैं। आपके जीवन में और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसको आपको पूरा करना है। आप अगर उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाना शुरू कर देंगे और ऐसे दिखाएंगे कि बस तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ और तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको ग्रांटेड लेंगे और आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको दिखाना चाहते हो कि देखो यार तुम मेरी प्रायोरिटी हो, लेकिन मेरे इस और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, बुक ऑफ दी आंसर से मैं आपके लिए आज कुछ जवाब ढूंढती हूँ। ठीक है, आप अपने मन में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब क्या है। यू मस्ट, आप जो भी सोच रहे हो उसमें जवाब आ रहा है, यस आपको करना चाहिए। आपने कुछ पूछा है तो यस आपको करना चाहिए, या आपको यस यू मस्ट, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए, यस। क्या आपने बोला कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए प्रयास करना चाहिए, यस। क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो यस यू मस्ट। तो यूनिवर्स ने आपको जो भी सवाल है उन्होंने कहा है आपको, यस आपको करना चाहिए। अगर आप अच्छी सोच रख रहे हो तो यस करना चाहिए। क्या आपको अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल देना चाहिए, तो ये कह रहे हैं यस करना चाहिए। यू मस्ट का मतलब ये है कि यस तुम्हें करना चाहिए, जो तुम सोच रहे हो उसका जवाब है यस तुम्हें करना चाहिए। क्या मेरी इनसे शादी होगी, यस तुम्हें इस पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। लाइक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रही है कि जो तुम कर बोल रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, यस तुम्हें वो करना चाहिए। आपके सवाल का ये जवाब है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, ये रीडिंग यहीं तक ही थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा प्यार दें। और ब्रेसलेट के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। ये आपकी हीलिंग में, आपकी एंजाइटी में हेल्प करता है। बहुत जल्दी मैं अपने ट्विन फ्लेम जो मैंने
ब्रेसलेट ऑर्डर किया है उसका मैं अनबॉक्स जो है करूंगी आपके सामने ही। आ जाने दो यार, अभी तक ऑर्डर आया नहीं, जब ऑर्डर आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके सामने वो बॉक्स अनबॉक्स जो है करूंगी, ओपन करूंगी और आपको बताऊंगी। एक न्यू ब्रेसलेट है जिसके बारे में मैंने लाइव में भी बताया था कि मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था अमित सर को और बोला था कि क्यों ना ऐसा कुछ मिक्सअप करके बना सकते हैं क्या, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने मेरे आइडिया को अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन दिखाया जो रेडी हुआ है। बहुत जल्दी वो डिज़ाइन जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को वो अनबॉक्स करूंगी, लेकिन मैं खुद उस बॉक्स का वेट कर रही हूँ, मैं खुद बहुत डेस्परेटली वेट कर रही हूँ उस ब्रेसलेट का। आ जाने तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। आप लोगों को ऑर्डर करना हो आप वीडियो पे से नंबर निकाल सकते हो। आप लोगों को मुझसे पर्सनल रेटिंग चाहिए तो नंबर आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर मैं नहीं देती, कोई दे रहा है तो यार उसे एंटरटेन मत करो, वो स्कैम है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।